राजौरी के कालाकोट के बाजीमल में बुधवार सुबह को हुई मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना की 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट के 2 अधिकारियों सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इनमें पुंछ के भी एक लाल ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन देर रात तक इस बलिदानी के परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी नहीं दी गई थी। सुबह जब परिजनों को इस बात की खबर मिली तो बलिदानी के घर में चीख पुकार मच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कालाकोट मुठभेड़ में नियंत्रण रेखा से सटे गांव अजोट निवासी मोहम्मद राशिद के पुत्र अब्दुल मजीद वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वो सेना की 9 पैरा में हवलदार तैनात थे। देर शाम को अंधेरा होने तक बलिदानी का पार्थिव शरीर मुठभेड़ स्थल से उठाया नहीं जा सका था। एक तरफ जहां पुंछ के इस लाल के शहीद होने की सूचना पुंछ में हर खुफिया एजेंसी और क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन शहीद के परिवार तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई। ना ही किसी ने इस दर्दनाक खबर को परिवार तक पहुँचाने की हिम्मत की। सुबह जब अपनों को इस बात की खबर हुई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर में चीख पुकार मच गई। वो रोते बिलखते बलिदानी के पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। शिवालिक जनरल हवलदार अब्दुल माजिद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।